तो एंड का कंडीशन यहां हम लगाएंगे एंड, और सबसे पहला कंडीशन है कि दैट इज लेस देन इक्वल टू 5, पहला कंडीशन है हुआ। दूसरा कंडीशन है कि ये जो बुकिंग अमाउंट है ये जो है ये लेस देन होना चाहिए किससे, ब्रैकेट में इसका 10%, समझे पहली कंडीशन। ओके दूसरी कंडीशन आप देखते कि हमें क्या निकालना है, 20 20 महीने, ठीक है, नाउ डेट से। तो नाउ आज के डेट के लिए टुडे का फॉर्मूला है, हमारे पास एक होता है डेट डिफरेंस का फॉर्मूला, डेट डिफरेंस। ये फॉर्मूला क्या करता है, दो डेट के बीच का ये निकालता है, जैसे कि स्टार्ट डेट ए है और एंड डेट में मैंने टुडे लिख दिया है, टुडे मतलब आज का डेट, जो भी डेट रहेगा। हाँ यहाँ पे हमने मंथ कर दिया, ये मंथ ये निकालेगा डिफरेंस इन द मंथ, अगर वो होना चाहिए ग्रेटर देन 20, तीन कंडीशन। अगर सर तीनों एंड फंक्शन में आप उससे ज्यादा क्राइटेरिया भी दे सकते हैं। इन एक एंड कंडीशन में मैं आप अपने हिसाब से 256 क्राइटेरिया दे सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो अगर अब ये ट्रू, ट्रू होगा तो हाँ कंडीशन चलेगा, अदरवाइज कंडीशन नहीं चलेगा। ओ आप निकालते हैं बात कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशंस मतलब कि मंथली निकालना है, ठीक है, किसका कि इसका 10% माइनस ये, समझे, ये निकल गया प्रिंसिपल आपका, क्या निकल गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये आपका प्रिंसिपल निकल गया। रेट 17% डिवाइड बाई 12, ये निकल गया मंथली आपका रेट। और टाइम के लिए सेम डेट टेबल का फॉर्मूला निकालेंगे, डेट डिफरेंस का ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डी है एंड टुडे, ये निकल गया हमारा, सॉरी कॉमा एम करना होगा ना, एम। ये निकल गया हमारा मंथ, लेकिन माइनस 20 हमें करना पड़ेगा, ठीक है, जनरल कर 26। तो उसका क्या करेंगे हम, सिंपल दैट मल्टीप्लाई बाय दैट मल्टीप्लाई बाय दैट, ठीक है। अब इन सबों को मुझे एक सेल में करना है, ये क्या है कि अलग अलग सेल से है ना, ये क्या है F2, F2 पे गया और F2 का फॉर्मूला को हमने सेलेक्ट करके कॉपी किया और यहां जहां F2 है वहां पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर आता है G2, आप लोगों जो है ना भेजा नहीं फाइल मुझे, आप लोग को नहीं होता कोई बात नहीं, जो कर लेते हैं फाइल उतना ही भेजिए मुझे, एटलीस्ट पता सर वो तो किया है, वो भेजा या भेजोगे तभी तो ये पता, वाला नहीं हुआ मेरे। भेजोगे वो तभी तो पता चलेगा ना कि आपने गलती कहाँ कर रहे हो, हाँ क्या यस आप सही ट्रैक पे हो या नहीं हो तभी तो पता चलेगा। यस। अब इसको कॉपी करते हैं, अच्छा डेट रहता है, डेट को वो फॉर्मेट से करना पड़ता है ना, अगर डेट आया नंबर में करना तो। कंट्रोल शिफ्ट वन इसका शॉर्टकट। ओके अब ओ यहां, टू हाँ यहां इफ लगाते हैं और बोलते हैं अगर ट्रू हुआ तो इस फॉर्मूले को रन करना है, अदरवाइज ब्लैंक अच्छा करना है या जीरो करना है। अक्षय जी कुछ घुसा या ऊपर से निकल गया, जी सर समझ में आ रहा है। तो क्या हुआ कि आप जो है जब भी फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला को पहले एलोरेट करें, मतलब कि अलग अलग मतलब कि उसको तोड़ के लगाए, फिर जब रिजल्ट आपके साथ अच्छे तरह से आ जाए तो फिर उसको कंबाइन कर दें, क्या या तो इससे क्या होगा कि आपका फॉर्मूला 100% रिजल्ट देगा और आपको हर चीज समझ में आएगा। या
ठीक है, विदाउट यस सर, इन फंक्शन में जो टाइमिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं वो थोड़ा क्लियर कर दीजिए। सिक्स स्लाइड में, कहाँ टाइमिंग की प्रॉब्लम है सही? सिक्स में सर, सिक्स में थोड़ा समझ में नहीं आया था, यस सर, सिक्स सीट या में। इसमें सिक्स Q6 में, Q6 में Q6 हाँ, ये वाला नहीं, ये आया था मेरे को। ओके ये सर क्वेश्चन 5 में देखिए जगह सर, हाँ ये है दिस ये क्या सर, जी बताना सर, आपको कि इसके अंदर में आप, इसमें मेन मोटिव क्या है कि इसके अंदर में आप डायरेक्टली टाइम नहीं दे सकते कि ग्रेटर नहीं दे दैन, सकते, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको टैक्स हो जाता है। तो उस केस में दो तरीका है कि किसी सेल पे वो टाइम नहीं देख दो या ठीक है तो उसको अप्लाई करो, अदरवाइज टाइम फॉर्म मिलेगा कि टाइम 22,00,00। उसके बाद अपना कंडीशन लगा, जो कंडीशन लगाना है समझे। जी सर, 22 22 किस लिए लिखा है हमने? मतलब 10 बजे, दस बजे की अगर ऊपर है तो ओटी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक तो 22 इसलिए बोलता है कि एएम पीएम देने का झंझट नहीं रहता है। है सर। और कुछ बात इसमें दिक्कत और एक इसमें, नहीं, एक Q8 थोड़ा ओपन करके देखिए सर, मुझे और एक डाउट है किसी में तो भी। ये तो ओके है, Q9, ये भी Q9, Q9 सर थोड़ा। हाँ ये इसमें नहीं समझा है सर। इसमें क्या है कि आपको यहां पे स्टेटस में ओके देना है ठीक। अच्छा अब जब पैन, यहां देखिए, इफ पैन एंड रेस्ट ऑफ ऑल लेस्ट ऑल हैव एनी वन वाई देन सो स्टेटस ओके। या तो इफ एंड और आर लगाना है क्या, कैसे वो नहीं समझा। एन लगेगा, एन के अंदर में वाई होगा क्योंकि पैन तो होना ही चाहिए। ओके हाँ या आता है लेस रेस्ट ऑल हैव एनी वन मतलब कि और क्योंकि ये और भी अच्छा वन ओके एनी ऑन है तो यहां भी ओके, वाई लगेगा। वाई चाहिए और चाहिए, फिर उसके बाद कॉमा कॉमा लगेगा। ओके हाँ उसके बाद तीनों दिन थी, और ओके तीन दिन है ना कि तीनों में से कोई एक हो, मतलब हाँ, कोई एक चाहिए कि हमें दो डॉक्यूमेंट चाहिए। या हमें कितने देन डॉक्यूमेंट? ओके दो, जिनमें से एक पैन होना चाहिए और दूसरा पैन के अलावा कोई एक, देन कॉमा ओके देन कॉमा ओके। या इफ ट्रू आ गया फिर इफ के बाद इफ के इस्तेमाल करके आप ट्रू को कन्वर्ट कर सकते हो ठीक ओके हाँ या है। यस। और ये 10 नंबर का क्या है सर, क्यूटेन Q10 Q10 तो वही था ना आपका इनकम टैक्स। हाँ ओके, ये बड़ा वाला था। अच्छा ये भी मेरे को नहीं समझा था सर, आई थिंक इसको समझाया था ना आपने। समझाया था, इसकी रिकॉर्डिंग भी है देख लीजिएगा ठीक ओके ठीक है सर, ओके देख लेता हूँ फिर मैं। है। उसके बाद जो अगली फॉर्मूले की कैटेगरी आती है और टेक्स्ट फॉर्मूले की कैटेगरी आती यस है ठीक है, टेक्स्ट एंड डेट एंड टाइम। सर, लॉजिकल में इफ एंड और तीन ही फंक्शन होते हैं। इफ एरर भी तो बताए। अच्छा इफ एरर भी करा चुके हैं आप। हाँ एक एरर क्या हाँ होता है कि उसमें दो चीजें होती है कि उसके अंदर में एरर, एरे आएगा तो क्या शो हो, एरे ना आए तो क्या शो हो। जैसे कि वीलुकअप लगा सर, कर लॉजिकल फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, फॉर्मूला होते हैं? लॉजिकल फंक्शन में सबसे पहले होता है आपका इफ का फॉर्मूला, उसके होता है एंड जी का, सर, और का एंड इफ एरर का, मेन फॉर्मूला यही होते हैं जी सर। ठीक है। और कुछ नहीं नहीं सर, बस अभी नया टॉपिक का। बोलिए
उसके बाद जो है हमारे पास एक टेस्ट डेट और टेस्ट का एक फॉर्मूला है, देखिए डेट एंड टाइम का हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब कैटेगरी दूसरी जो आती है टैक्स की कैटेगरी आती है, टैक्स कैटेगरी। सर अभी एडवांस एक्सेल में हमने लॉजिकल फंक्शन ही कवर किया है। हाँ फंक्शन के स्टार्टिंग में लॉजिकल हमने कवर किया है, ठीक है इससे आगे करेंगे। तो अब बात करते हैं हम टेक्स्ट फंक्शन की एंड डेट एंड टाइम फंक्शन की, ठीक है। तो दो कैटेगरी है आपका, टेक्स्ट कैटेगरी का फॉर्मूला जो कि टेक्स्ट से रिलेटेड है, डेट एंड टाइम की कैटेगरी का फॉर्मूला डेट एंड टाइम।